आप अम्मी की बातों पे एम्बेरस मत हुआ करें, उनकी तो आदत है। और सच कहूँ तो मुझे भी अब उनकी बात का बुरा नहीं लगता, आदत सी हो गई है। या यूं कहें कि मैं ढीठ हो गई हूँ। 4 साल गुजर गए हैं तुम्हें उनकी ये बातें सुनते, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम इंसान हो या पत्थर, पलट कर जवाब क्यों नहीं देती हो? और क्या होगा मेरे जवाब देने से? उनका लहजा बदल जाएगा। नहीं हार हूं, ऐसे उनका दिल मुझसे नर्म नहीं होगा। याद है शादी के बाद आप ही ने मुझे कहा था कि अम्मी को टैकल करने का यही तरीका है, तो बस फिर आप भी अम्मी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करें। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाला। अच्छा छोड़े ना ये सब, ये बताएं चाय कैसी बनी है? आज तो बहुत गर्मी थी भाई। अच्छी। आप कभी हंस के भी जवाब दे दिया करें, क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? तुम्हारे लिए अपसेट रहता हूँ, कोई आसाइश नहीं दी मैंने तुम्हें, कुछ भी नहीं कर सका। यहां तक तुम्हारी ये बात भी नहीं मानी कि हमें औलाद की जरूरत, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने तुमसे कहा कि मुझे वक्त चाहिए, लेकिन तुम सही कहती थी, औलाद अपने नसीब का रिस्क लेकर आती है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज हम औलाद की नेमत से महरूम ना होते। तुम खुश तो हो मेरे साथ? जाहिर है खुश हूँ, बहुत खुश। इन हालात में भी? चाहे हालात जैसे भी हों, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बहुत प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा। आपको पता है आपने मेरा हाथ तब थामा है जब बाकी सबने मुझे छोड़ दिया था। औरत से मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं, उसे इज्जत देने वाला सिर्फ सिर्फ एक ही वो खास आदमी होता है, और मेरे लिए वो आप हैं, सबसे खास। हाँ, लेकिन पेट मोहब्बत से नहीं भरे जाते। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगे? प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हर वक्त इतने उदास रहने लगे हैं, हर वक्त ऐसे उदास मत रहा करें। नहीं देख सकती उदासी आपके चेहरे पर। ऐसे ही रहा करें मुस्कुराते हुए।